बॉलीवुड से हमें जितनी कम हो उतनी कम ही उम्मीद रखना चाहिए। अगर कम उम्मीद रखते हो तो हमारे सामने एक बेहतरीन नतीजे सामने आते हैं, जो नतीजे हैं भूल भुलैया 2 और पंचायत का सीज़न 2, यानी पंचायत पूरी सीज़न की सीरीज ही, यानी इतने बेहतरीन नतीजे हमारे सामने आते। नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं इंट्रो के बाद आपको वो सब चीज़ें बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, आप सबका स्वागत है माईटेक विथ आरबी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ पंचायत सीजन 2 का रिव्यू, जो कि मेरी नज़र में आज तक का सबसे बना हुआ बेस्ट सीरीज है। तो कि क्यों बेस्ट है इसके बारे में बात करने वाले, तो वीडियो ज़रूर देखना अंत तक क्योंकि वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ये सीरीज़ आई थी तब इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, या इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या कोई इसके बारे में एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसका यानी इस सीरीज़ का जितना होना चाहिए उतना प्रमोशन नहीं हुआ था। वही बस एक दो लोगों ने देख लिया हो गलती से, उन्हीं के माउथ पब्लिसिटी की वजह से या उन लोगों की वजह से ये सीरीज़ आज यहाँ तक पहुँची और इस सीरीज़ को हम अपना पाए, क्योंकि इस सीरीज़ के लिए हमारा लो एक्सपेक्टेशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप कुछ भी बोल दीजिए, पर इस सीरीज़ के लिए आपका जो लो एक्सपेक्टेशन था वो लो एक्सपेक्टेशन इस सीरीज़ के पॉजिटिव वे में काम कर गया और इसी वजह से ये सीरीज़ ये स्टोरी हमारे दिल पे आज तक राज कर रही है। तो बात करते हैं इस सीरीज़ की यानी स्टोरी के बारे में या ये सीरीज़ कैसी, इसके बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ, ये इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में बनी हुई आज तक की सबसे प्यारी और सबसे बेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें दिखाए गए वो गांव देखिए, वो गांव के लोग देखिए, उनका प्यार देखिए, उनका अपनापन देखिए, उनकी नफरत में भी वो एक प्यार होता है, वो एक अपनापन होता है, वो स्त्री बखूबी से और इतनी खूबसूरत तरीके से हमारे सामने लाया गया कि ये सब चीज़ें ना, हम पहले तो हम गांव की चीज़ें ना कभी रियलाइज़ नहीं करते, ये कभी यानी इतना माहौल में नहीं गुजरे हैं, तो ये सब चीज़ें ना हमें बहुत ही अपनेपन वाली लगती है और प्यार भरी लगती है। अब इसमें परफॉर्मेंस देखिए, जितेंद्र कुमार, चंदन रॉय और नीना गुप्ता और रघुवेंद्र यादव, ऐसे नए और नामचीन कलाकारों ने इतनी बखूबी से काम किया है दोस्तों। और फाजिल मलिक का तो नाम मैं भूल ही गया था, पर इस बार फाजिल मलिक के कैरेक्टर ने जो काम दिखाया है ना दोस्तों, ये सच में बवाल है, सच में बता रहा हूँ। ये मेरी नज़र में ना ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाला सीन हो गया था, लिटरली बोल रहा हूँ। जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट किया तो वो सब चीज़ें जैसे जैसे इतनी इमोशनल राइट था वो ये सीरीज़, तो वो जैसे जैसे हमारे सामने खुलने लगता है ना, तो इतना प्यार और इतना अपनापन महसूस होता है। बस एक आखिरी वाला सीन, इस सीरीज़ का वो क्या है मैं नहीं बताऊंगा, पर ये आखिरी वाला सीन आप देखोगे ना तो आप सीधा रो पड़ोगे, आपके आँखों में आंसू के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। एक ममता भरा, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, सो प्लीज़ आप सीरीज़ देखिए, वो आखिरी वाला सीन देखिए और देखने के बाद यहाँ आके ज़रूर बताना वो आपने फील क्या किया। कैसा है वेब सीरीज़, मतलब सेक्स सीन हो गया, न्यूडिटी हो गया, बाद में माँ बहन की गाली करना या माँ बहन की गाली देना, ये सब चीज़ें ना इतनी लाउडली दिखाई जाती ना, तो क्या है ये वैसे सीरीज़ का ये हो गया मेन एसेट। और पंचायत एक ऐसी सीरीज़ जिसमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन सीरीज़ में अपनापन और प्यार इतना भर भर के दिखाया दोस्तों कि आपको आपको याद ही नहीं रहता ऐसा कुछ रखना चाहिए रहना चाहिए, इतनी बखूबी से और बेहतरीन तरीके से स्टोरी को लिखा गया। ये आज तक की मेरी सबसे फेवरेट वेब सीरीज़। और इतने इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप वो सीरीज़ देख रहे हो तो वो आपके लिए बीमारियाँ हैं, और अगर आप ये सीरीज़ देखोगे ना तो उन बीमारियों का ये है वैक्सीन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसी सीरीज़ बनना भी बहुत ज़रूरी है, ये एक अपनापन या अलगपन दिखाने की बात करता है। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं दूंगा 4 out of 5। तो दोस्तों ये था मेरा पंचायत का रिव्यू, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने सीरीज़ देखी तो आपका रिव्यू कैसा है, यानी आपका व्यू क्या था इस सीरीज़ के बारे में वो भी बता सकते हो। तो यानी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, कमेंट कीजिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वाले ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।